الحمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلق 12,000 من قلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله بلند آواز الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين پڑھیے جناب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہوتے ہیں سن کر کیوں خفا پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے تعریف سرکار ثابت ہے قرآن کے 300 پاروں سے معزز
मोहतरम मोहतशम सामीन हजरात, सुन्नी होने के बाद आज पहली मर्तबा मुझे रहीम यार खान में हाजिरी का शर्फ नसीब हो रहा है। सुन्नी होने से पहले मैं यहाँ बहुत आता था, बड़े जुमे भी पढ़ाता था, बड़ी तकरीरें करता था। मुझ पर सरकार का करम हुआ और मुझे अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत अहले जन्नत में शामिल कर दिया। तो 8 साल से मैं तरस रहा था, तड़प रहा था, मेरे दिल में ये प्यास थी कि कभी ऐसा मौका आए कि मैं रहीम यार खान अपनी पुरानी तकरीरों का कफारा अदा कर लूं और मरने से पहले या रसूल अल्लाह का झंडा बुलंद कर दूं। तो मैं दिल की हर धड़कन से शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे भाई बल्कि पीर भाई जनाब इज्जत माब पैकरे इज्जो इखलास व अखलाक भाई मोहम्मद इलियास सईदी साहेब हाफिज़हुल्लाह का कि ये लोगों से टाइम लेते हैं। मैंने खुद इनसे कहा और इसमें कोई यार नहीं है कि मैंने कहा कि एक तकरीर करवाओ साड़ी फरमाइश थे, बाकी तुम्हारी मर्जी सारी जिंदगी पर, एक मेरी बनती है। और इन्होंने मुझे फिर मौका अता फरमाया। इनका और हाजी दिल नवाज साहब जो मरकजी कमेटी के चेयरमैन हैं, हाजी मोहम्मद नवाज अख्तर साहेब हाफिज़हुल्लाह, इनका पूरी जुमला कमेटी के तमाम अरकान का आप सब का अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि मरने से पहले मैं रहीम यार खान में या रसूल अल्लाह का झंडा बुलंद कर रहा हूं। हालल मेरे लिए आज बड़ी सआदत की बात है। अब चूंकि वक्त थोड़ा है तो पंजाबी बोलूं या उर्दू? सराकी तो इवें मेरे को गुजारे वाली आंधी है, पूरी तो आंधी कह नहीं, वो भी मैं रवानी च कह नहीं बोल सकता। बस इवें सराकी बिरा कहीं नाल मुलाकात थी वंजे ते गप शप थी वेंदी है, वगर ना तकरीर मैं सराकी च कर सकता, ये पक्की गल है। हुण डू चुआइसा है, या तो तुसा पंजाबी का हुक्म दे देवो तो या उर्दू का, सारा मजमा बोले तो सही ना, फिर साढ़े वाली पंजाबी समझ लवोगे। हजरात पहले चंद थोड़ी जी कीमती गुफ्तगू और फिर इंशाल्लाह कीमती मिल जिक्रे मिला दे मुस्तफा। चूंकि एक सवाल है कि मैं सुनी क्यों होया, मैं उन्होंने क्यों छड़िया ये नहीं दसांगा, पर मैं इधर क्यों आया ये तो दस सकना वा ना। दो पहलू ने ना भाई, उन्होंने छड़न की वजूहात ने, चलो नहीं बयान कर दे उन्होंने एवं गुस्सा आ जाता है, पर इधर आने की वजूहात ने यह तो दसना चाहिए ना। एक गल मैं इलियास भाई को स्पैशल कर रहा तो अमूमी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम शरीफ किताब ज़कात और कुरान में भी मौजूद है कि जेड़े नवा कलमा पढ़न उन्होंने रब डबल अजर अता करता है। और हजूर ने फरमाया मुअल्लफतुल कुलूब, इन्हों के दिलों नू तकड़ा करो, यानी जेड़े नवे आवन हजूर ने उन्हों की खिदमत भी ज्यादा की और उन्होंने मुहब्बत भी ज्यादा अता फरमाई। लिहाजा बाकी खतीबा नालों मेरा टाइम ज्यादा बनता है क्योंकि मैं मुअल्लफा कलूब में शामिल हाँ, मुअल्लफतुल कुलूब में। तो इस लिहाज नाल मेरा ज्यादा जूंगे सरकार ने फरमाया इन्हों का डबल अजर है और खिदमत भी डबल है, मुहब्बत भी, तो तुहाडा बोलना भी डबल बोलोगे तो मैं चलांगा। मैनू कहो तो मैं उत्थे आ जाना, पर तुहानू जोर लाना पेगा पूरा। तबलीगी जमात दे बहुत नामवर मुबल्लिग ने मौलाना तारिक जमील साहब, देखो मैं इज्जत नाल नाम लै रहा क्योंकि असी दलायल वाले लोग हाँ, गला कटन वाले नहीं, मेरा उन्होंने बड़ा ताल्लुक सी है, हूँ भी आना जाना है, अगे भी है सी,
उन्होंने ये खबर मिली कि मैं सुन्नी हो रहा, तो अचानक उन्होंने मैनू फोन किया और मैं कह लगे कि मैं एक रिपोर्ट मिली है कि तू सुन्नी होता पे। मैं क्या साईं मैं कोई नहीं होता पिया, आवे कोई जावे तवज्जो मेरे वाल। ये गल्लां तुहानू कितों नहीं लभनियां, सिर्फ मैं ही दसनियां ने क्योंकि मेरे नाल बीतियां ने। तो मौलाना साहब कहण लगे कि मैनू रिपोर्ट मिली है तू सुन्नी होता पे। मैं क्या साईं मैं कोई नहीं होता पिया। आखे मुड़ खबर गलत है। मैं क्या खबर ठीक है। एक ही गल हुई कि तू होंदा भी कोई नहीं पिया तो खबर भी ठीक है। मैं क्या साईं होंदा कोई नहीं पिया, अगर होवन वाली गल होवे आ ते तुसा भी हो जाओ आ, थोड़ा ते नहीं पड़े हो, सारी दुनिया फिरी खड़ोते हो, होए तुसा भी कोई नहीं, होया मैं भी कोई नहीं, विच गल हो रे। ये महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, यहाँ आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैं क्या साईं लगता है कि उत्तू फैसला हो गया है कि मैनू सुन्नी होना चाहिए। अगू मौलवी साहब मेरी खैर ख्वाही विच मौलाना तारिक जमील साहब ने आखिया कि सैफुल्ला कमला ना बन, जे सुनिया च गया ते भूखा मर से। क्यों? उस वक्त मेरी सऊदीया चो तनखा आ रही सी, आखन लगे सऊदीया दे रियाल अहले हदीसा नू लभदे न, सुनिया नू नहीं लभदे। जे तू सुनिया मने जासे ते भूखा मर से। मैं क्या साई मैं तकाबली जायजा लेके कंपैरिजन करके फैसला कर ले। मैं कंटिन्यूटली तौर ते सोचिए कि अगर मैं वहाबिया वाले पासे रवा ते सऊदीया दे रियाल मिलदे, पर जे सुनिया विच जावा ते मुड़ आमना दे लाल मिलदे। गज के बोलो, हाथ कढ़ के बोलो यार, सेट कर जरा, गाज के बोलो जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी होया। हुण वो पिछले बेले भी फोन कर देन तू सुन्नी क्यों होया, अगले भी पूछ देन तू क्यों होया, उन्हां दी क्यों हो रे साड़ी क्यों। तो हजरात कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मैं यहां फिरका वारियत फैलाने नहीं आया, मैं मिटाने आया हूं ये बताकर कि मैं सुन्नी इसलिए हुआ कि हजरत हजरत तवज्जो से सुनिएगा, देवबंदियत की इब्तदा मौलाना अब्दुल हक बनारसी से हुई, देवबंदियों की इब्तदा मौलाना कासिम नानोतवी से हुई है, अहले हदीसों की इब्तदा मौलाना अब्दुल हक बनारसी से हुई है, और सुनियों की इब्तदा हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुई है। और मैं सुन्नी इसलिए हुआ हूं कि अल्लाह का कुरान सुनियों के पास है। नहीं जिन्ना दे पास है वो बोलो ना जी। मैं कुर्सी छड़ देती है, थोड़ी कुर्सियां तो हाथ ही नहीं निकलते माशाल्लाह। हजूर का फरमान सुनियों के पास है, हजरत अबू बकर की सदाकत सुनियों के पास है, हजरत उमर की अदालत सुनियों के पास है, हजरत उस्मान की सखावत सुनियों के पास है, मौला अली की शुजात सुनियों के पास है, हसनैन करीमैन की जन्नत की जवानी के जवानों के सरदार का अकीदा अहले सुन्नत के पास है, हजरत बिलाल का इश्क अहले सुन्नत के पास है, हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर अहले सुन्नत के पास है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की शरह हदीस अहले सुन्नत के पास है, हजरत हंजला का तकद्दुस अहले सुन्नत के पास है, मुसअब बिन उमैर की खिताबत अहले सुन्नत के पास है, हजरत जाफर तैयार की तिलावत अहले सुन्नत के पास है, हजरत अमीर मुआविया की सियासत अहले सुन्नत के पास है। हाँ आगे चल, शाह हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की इस्तिकामत अहले सुन्नत के पास है, इमाम शाफी का शौके हदीस अहले सुन्नत के पास है, हजरत इमाम मालिक का इश्क अहले बैत अहले सुन्नत के पास है, इमाम आजम अबू हनीफा की फुकाहत
अहले सुन्नत के पास है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दस तेलवी का फलसफा इश्क अहले सुन्नत के पास है। शाह अब्दुल मजीद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस तेलवी का रद्दुर रिफ्स अहले सुन्नत के पास है। फिर चल दाता दरबार के पास, मेरे दाता हुजूर अहले सुन्नत के पास है। तू चल ख्वाजा गरीब नवाज के मिजार अकदस पे, वो अहले सुन्नत के पास है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अहले सुन्नत के पास है। ताजदार कोट मिठन अहले सुन्नत के पास है। मुल्तान में इश्क रसालत की शमा चलाने वाले मेरे गजाली जमा मुफस्सिर कुरान अहले सुन्नत के पास है। और शेखुल इस्लाम लजपाल पीर सियाल अहले सुन्नत के पास है। और कसम नबूवत का परचम लहराने वाले मिर्ज़ैयत की नींदे उड़ाने वाले ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेर अली शाह अहले सुन्नत के पास है। गाजी आमिर चीमा अहले सुन्नत के पास है। वो गाजी मुमताज कादरी जिसने गवर्नर की आंख में आंख डाल के कहा कि नौकरी तुम्हारी है वर्दी तुम्हारी है पर दिल काली कमली वाले का है, वो गाजी भी अहले सुन्नत के पास है। दुनिया कुफर को डराने वाला मेरा अल्लामा खादिम रिज़वी वो भी अहले सुन्नत के पास है। फिर चल दोस्तों ठहर जा मैं तुझे मौका दूंगा बात पूरी करने दे। चल देवबंदियों ने नहीं माना अहले हदीसों ने नहीं माना ये अकीदा सिर्फ अहले सुन्नत ने दिया है कि जब हमने मर के कब्र में जाना है तो हर सुन्नी की कब्र में आमना के लाल ने तशरीफ लाना है। गज के बोलो सुनियो जिसने नारा लगाना है अपने ईमान से लगाओ। बैठे माशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने अकीदा अहले सुन्नत का इस्तकबाल किया है। हजरात हमारे पास इल्मी दलाइल है पर अब आ जाइए रबीउल अव्वल शरीफ की तरफ। मुझे सुन्नी भी पूछते हैं वो भी पूछते हैं ओ जी मिलाद क्या है। मैंने कहा मिलाद का तो यहूदी ने भी इनकार नहीं किया, मिलाद का तो ईसाई ने भी इनकार नहीं किया। किसे मैं क्या सिख को पूछो भी मनदा कि हजूर पैदा हुए ने, हिंदू को पूछ वो भी कहता है अरब का बाशी अहद का प्यारा जुबा पे था उम्मती का नारा कमर में पटका जो मीम का था वो नाम अहमद बता रहा था। जो रीन सुपने में इकबालम सुखेर मोरे नजर पड़ी थी अजब सी थी मनमोहनी सूरत निराली सजदा ही दिखा रहा था। मैं क्या जनाब एडी दाढ़ी रख के एडियां पगड़ियां बन के तुहानू अजे आका दा मिलाद ही समझ नहीं आया। यहूदियां दा सब तो बड़ा राइटर मिस्टर एडवर्ड किपन लाइफ ऑफ मुहम्मद छपी जिल्द किताब है उन्दे च एक जुमला लिखता है अल्लाह करे ये रहीम यार खान दे मेरे पिछले बेलिया नू समझ आ जाए। नवे बेलिया नू ते पता है ना पिछलिया नू भी समझ आ जाए। वो कहंदा ही वाज बोर्न इन द फुल लाइट ऑफ हिस्ट्री जब तक हजूर नहीं आए थे अंधेरा ही अंधेरा था सरकार आए हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। मिस्टर माइकल हार्ट चूंकि ये बाजार का जलसा है ताजर भी हैं पढ़े लिखे हजरात हैं खसूसी हदिया पेश कर रहा हूं। मिस्टर माइकल हार्ट ने लाइफ ऑफ मोहम्मद में दी हंड्रेड में आप हैरान होंगे 100 शख्सियात में पहले नंबर पर जिक्र मुस्तफा को लाया है। नहीं ऊंची आंखों ना सुभान अल्लाह उस आख्या माई चॉइस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू लीड द रिंकिंग इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज इन द हिस्ट्री विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स। वो कहता है मैंने 99 शख्सियात को स्टडी किया फॉलो किया एक बात उनमें मुश्तरक थी
और हजूर में वो नहीं थी, हजूर का डिफरेंस था। उसी डिफरेंस से मैं इंस्पायर हुआ और हजूर को पहले नंबर पे जिक्र लाया हूँ। कहता है कि मेरे रीडर्स कायरीन किताब पढ़ने वाले सरप्राइज होंगे, हैरान होंगे कि मैं क्रिश्चियन होकर हजूर के जिक्र को पहले नंबर पर क्यों लाया हूँ। तवज्जो रहीम यार खान वालों, वो कहते हैं कि 99 शख्सियात को मैंने पढ़ा, एक बात उनमें मुश्तरक नजर आई कि हर साहिब कमाल ने पहले किसी से सीखा है फिर सिखाया है, पहले किसी से पूछा है फिर बताया है, पहले किसी से पढ़ा है फिर पढ़ाया है, मगर तनहा मुसलमानों के पैगंबर का कमाल है कि उन्होंने कायनात में पढ़ा किसी से नहीं, पढ़ा सबको दिया है, पूछा किसी से नहीं, बता सबको दिया है, सीखा किसी से नहीं, सिखा सबको दिया है। अरे पढ़ाया इलम सीखा किसी से नहीं, बता सबको दिया है। मैं समझ गया कि ये है वो पैगंबर जो खुदा से लेता जाता है, मखलूक को देता जाता है। मैंने कहा तुझे तेनू मिलाद क्यों नहीं समझ आता, आओ हो एक लेवल होर थले आओ। एक बंदा मेरे को आया पिछली बिरादरी का, वो भी सैयद है। मैं रोटी खवाई अगे रखी, मैं क्या खा, ये सऊदिया का माल नहीं है, साड़ी हलाल की कमाई है। हाजी साहब वो गुस्सा कर गया, उन्हें आख्या जी तुसी घर बुला के मेरी इंसल्ट की है। मैं एक्सक्यूज किया, मैं क्या साई माफ कर दो, रोटी तो खाओ यारी, ये तेरे नाल मजाक के वैसे गल कर छड़ी, ना मनिया। मैं क्या तू रोटी खा, अल्लाह की कसम साड़ी कमाई भी सऊदी वाली है। आखन लग्या किवें, रोटी शुरू कर दीती, खुश हो गए ना। तो जिमें ट्रेन नहीं ना रुकती, इवें मौलवी भी रोटी खाद्या नहीं रुकता। ला सटा पला हूं वला बरे कला हूं, रुकिया ही कोई नहीं। जदों शुरू कर ली, मैं क्या साई कमाई साड़ी भी सऊदिया दी है, सऊदिया दी है तुहाड़ी भी है, एक विच फर्क है, तुहाकू सऊदिया चू जकात मिलती है, हर सुन्नी नूं सऊदिया विचों गुंबद खजरा दी खैरात मिलती है। गज क्या को ना सुभान अल्लाह। लो जी हुण तवज्जो सारे आशकाने मुस्तफा, जरा सुभान अल्लाह कहो। इलियास भाई मेरे को एक बंदा आया, आखन लग्या शाह जी, मैं क्या हाँ जी, आखे जी मिलाद क्यों मनांदे हो, मैं क्या जी सरकार पैदा होए ने। बस एक बंदा उठींदा तुहाडी सारी तवज्जो उदे जांदी रहिंदी और मैं फिर जीरो ते आ जाना। तवज्जो मेरे वल रखो ना, आना जाना ते लग्या रहना है। तवज्जो मैनू आखन लग्या तुहानू कादी खुशी है, मैं क्या जी हजूर दे आण दी। अच्छा एक एक किस तरह नाल उठते ने, एक उठता है फिर उठता है। कोई नहीं, अल्लाह ताला को सेहत अता फरमावे। साईं पुत्र बह जाओ। मैनू कहन लग्या तुहाडी मत मारी गई है, मैं क्या जी किवें। अच्छा एक चलाकी समझो, चलाकी अगर जिक्रे हुसैन पाक करो ते अकेसन साई तराए डी तू उते कोई भी गम बोलो ना, ते 1400 साल थी ये खड़े ने, तो आपको गमे हुसैन लगा खड़ा है। तराए दीवार तो उत्ते गम जायज है, और अगर सरकार दा मिलाद मनाइए ते हर स्पीकर खोल के कहणगे हजूर ते फौत हो गए ने, तुसी मिलाद मनाई जांदे हो, और अगर शहादत दा गम करिए ते 3 दिनां तो उत्ते सो गए, जे हजूर दा मिलाद मनाइए ते कहणगे जी हजूर ते फौत हो गए ने, तुहानू मिलाद दी पई है, हुण 3 दिन वाला कानून कित्थे गया। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, एक उन्हां दी चलाकी है तुसी समझ नहीं सके। आओ मैनू कहण लग्या हजूरे पाक दी विलादत जिस रबीउल अव्वल विच होई, ओ रबीउल अव्वल चला गया, ओ दुबारा आ सकदा। तुसी हर साल जशन क्यों मनांदे हो, हर साल तुसी मिलाद क्यों मनांदे हो, कि हर साल मिलाद हो रहे, मिलाद ते होना सी हो गया, गल मुक गई। मैं क्या जनाब एक सवाल मेरा भी है कि कुरान केड़े महीने च नाजल होया है। कहन लग्या रमजान शरीफ विच,
मैं क्या रात केड़ी है? कह लग्या लैलतुल कदर। मैं क्या भाई जिस महीने विच कुरान आना सी आ गया, ओ महीना चला गया, हर साल क्यों कदर कर दे ओ? दलील दी चस कोई नहीं, शेरो शहर सुनने वाली कौम है ना। मैं क्या जी ओ लैलतुल कदर आ गई, कुरान भी आ गया, हुण तुसी हर साल लैलतुल कदर दी कदर क्यों कर दे ओ? फौरी कह लग्या शाजी वजह ये वे कि जब तक रमजान आंदा रासी बरकतां और मगफिरतां मिलदियां रासन, ओ रात आवे ना आवे हर रमजान विच बरकतां हैं, हर रमजान विच रहमतां हैं, हर रमजान और हर लैलतुल कदर विच मगफिरत है, जन्नत है। मैं क्या बाबू ओ रबीउल अव्वल आ गया, हजूर भी आ गए, हुण कयामत तक हर रबीउल अव्वल विच रहमतां बरकतां शफकतां इनायतां दर्जतां फजीलतां आउंदियां रहणगियां। आशकान रसूल खुशियां मना के वो सब कुछ हासिल कर दे रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाल के बोलो जश्न करके मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो एक दलील और, मैं दलील वाला खतीब हां, तवज्जो एक दलील और जनाब। मैनू कहन लग्या शाहजी और तुसी भी सुनो, ਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਂਤਰਮਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਾਥ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਕਵਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ? ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ਰੀਫ? ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਵਾਂ? ਤਵਜੋ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਜੰਮੇ, ਕਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਮਨਾ ਦਾ, ਬੇਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ, ਪੋਤਰਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਚੜੇ ਨੇ? ਸੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ? ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਚ ਕਾਹਦੇ ਚਾਹ ਨੇ? ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ, ਬਸਾ ਦੇ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਹਰ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਫਤਵੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ? ਮੇਰਾ ਜੰਮੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਨਾਉਣੀ? ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਮਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼ਰਫੋ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਪੈਕਰੇ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਸੋਹਣਾ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਸ਼ਨ ਮਿਲਾਦ ਆਖ ਹੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਸੀਤੇ ਜੁਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ,
सिर्फ तुहाडे तक पहुंचण वास्ते। मैं तुहाडे कोलों इमदाद नहीं मंगदा, दात ते मंग सकना ना। हुण तवज्जो नाल जश्न ए मिलाद। मेरा दिल क्यों नहीं ठंडा हो रहा, क्योंकि वह पिछले बोल ही नहीं रहे और कैमरा उन्हां ते वज नहीं रहा, लैट सारी मेरे ते लगी है। भाई हर मुसलमान बोले, मैं दलील देना, मैं दलील देना। पानी मैं करंट तो नहीं मारदा, पिछले दिन लगे बड़ा पैड़ा मैनू। जितने भी मुअज्जज़ सामीन बैठे ने, एक बारी लफज बोलो फिर मैं दलील ऐसी दियांगा, तुसी सारी जिंदगी बोलते रहोगे। खिताबत कन ते हाथ रखण दा नां नहीं है, दलील देण दा नां है। गल करो ते दलील दियो। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमांदा दलील ले आओ जे सच्चे हो ते। आ लग्या मैं दलील देण। जश्ने मिलाद एक सुनी खुश खामोश न रवे। जश्ने मिलाद उस आख्या जेड़ा तुसी ये कहंदे हो जश्ने मिलाद मुबारक हो, ये हुण मिलाद होया, इनू तो 1400 साल हो गए, हुण का दिया मुबारक। बोलो ना, हुण होया मिलाद, अज होया, कल होया, का दिया मुबारक। मैं क्या गुस्सा ना कर, जवाब सुन। मैं क्या तू अज की गल करना कर, 1400 साल पहले आए ने के नहीं? आंदा आए ने। आ गए? आंदा आ गए। तो मैं क्या मुबारक दा की है? मैं क्या सुन, मुसनद अहमद इब्ने हंबल दी रवायत है। मैं भी तरज लाना पर टाइम नाल, जिथे मौका आए एवं नहीं भी दगड़ दगड़ शुरू करती। मैं क्या जनाब, मुसनद अहमद इब्ने हंबल दी रवायत है, सहाबा कराम आपस च बैठे ने और की कहंदे ने, तूबा लिमन आमनहु वयराहु, के मुबारक होवे ओनू जिन्ने सरकार नू तकिया और तक के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उतो आमना दे लाल साहिबे शर्फो कमाल तशरीफ ले आए, आपने फरमाया, लो रहीम यार खान वाले हो, इस तो वड़ा मिलाद दा तोहफा कोई नहीं है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ए बात सही है, जड़ा मैनू तके और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए ओनू मुबारक होवे। पर अगली गल भी सुनो, आपने फरमाया, तूबा सुम तूबा सुम तूबा सुम तूबा सुम तूबा सुम तूबा सुम तूबा लिमन आमन बी वलम यरानी। आपने फरमाया, जेड़ा मैनू तके कलमा पढ़े ओनू एक बार मुबारक होवे, जेड़े मैनू नहीं तकणगे और कलमा पढ़ के मुसलमान होणगे, मैं नबी उहनां नू सत वारी मुबारक देना वा। मैं क्या जनाब आली, असी नहीं सी आए, सरकार ने सानू सत वारी मुबारक दिती है, सरकार आ गए ने, हुण असी लख लख वारी मुबारक देंगे। एक सवाल अजकल बड़ा गर्दिश कर रहा है कि जी हजूर नू पैदा किने कीता है? बोलो, मेरा टाइम बड़ा थोड़ा है, तवज्जो। हालांकि मेरा टाइम डबल होना चाहिए, यहां उल्ट गिनती चलती है। नव्या नू जिनी कदर दो, अलहमदुल्ला दो मौलवी मैं बाद विचों भी खिंच के सुनी किते ने, तुहानू उहदा पता कोई नहीं। एक मौलवी नाल 3.5 साल बहस चली है, 3.5 साल, और मैं चैलेंज किया है किसे चौक ते रख लो मुनाजरा, दो मौलवियों का नाम ही दिता होया है, अज नहीं लेना कि आओ अगर अकायदे अहले सुन्नत ते मैनू शिकस्त दे दियो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। अज भी रहीम यार खान की सरजमीन से चैलेंज करके चलिया, किसी मां ने वो पुत्र जमया कोई नहीं,
जेड़ा अहले सुन्नत नू गलत साबित करे सुन्नी दा हर अकीदा रब दे कुरान विचो सरकार दी मिठी जुबान विचो है। असी पटियां बन के सुन्नी नहीं होए दलाइल वेख के सुन्नी होए आ। मैनू कहन लग्या शाह जी पैदा करने वाला अल्लाह है। मैं क्या हां कहता अल्लाह ने भी जश्न मनाया है। इतने हम साढ़े मौलवी कह देंगे ने जी अल्लाह ने भी जश्न मनाया है। अल्लाह मानने से भी पाक है और बोलो मनाने से भी। अल्लाह ने जश्न मनिया मनाया कोई नहीं, ये साढ़ा काम है मनना मनाना। अल्लाह इस तो पाक है। मौलवी भी साढ़े माशाला कर छड़ते ने पर मैं उन्होंने आख्या अल्लाह ने जश्न मनाया नहीं। रहीम यार खान वाले जुमला जाया ना करे जे। मैं क्या हजूर दी विलादत ते अल्लाह ने ऐसा जश्न कायम किया कि क्यामत तक कोई नहीं कर सकता। कह लगा केड़ा कीता की कीता पैदा ही होए ने। मैं क्या इंज होए ने जिवे तू ने को रति ईमान दी है ते दस इंज कोई हो सकता है। आए हाय हाय नहीं यार हुण जमालुद्दीन बगदादी वांगू मैं इत्थे भी जावां इत्थे भी जावां ते फिर खतीब मनोगे ते जिहड़ा इको जगह ते खड़ो जाए वह मेरा यार है। मैं तां मिसाल दे रहा मेरे नाल बड़ा प्यार है उन्हां दा। तवज्जो कल वह आए सन अज मैं आ गया और अगर मैं कल आ जाता तो उन्हां दी मुहब्बत तुसीं आप ही वेख लैणी सी मेरे नाल। मैं क्रिटिसाइज नहीं हाँ। तवज्जो मैं उन्होंने कहा अल्लाह ने पता है कि जश्न कायम किया है। आंदा की मैं क्या सैयदा की हुण भाबियां नूं अखवाणा जे वह आखणगे इहदी वारी बोलदा ही कोई नहीं सी ते मैं ते टुर जाणा जवाब ते तुहानूं ही देना पैणा है। तकड़े होवो शरीकां नूं वी ते जवाब देना है ना। शरीक उही हुंदा जिहड़ा अपना होवे। उह साडे पाकिस्तानी भरा ने अल्लाह दुआ करो उन्होंने सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। मैं क्या जी सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अनहा फरमाउंदियां ने जदों सरकार मेरे बतने पाक विच आए ने मेरी कायनात बदल गई है। मैं धुप विच चलदी सां बदल साया कर देंदे सी ताके रहीम यार खान दे गैरतमंद मुसलमानां नूं पता चल जाए हुण पूरी कायनात ते साया होएगा ते सोने दी रहमत दा होएगा। लोग कहते हैं के साया तेरे पैकर का न था। लोग कहते हैं के साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ के जहाँ भर में है साया तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा है तेरा। इसकी दौलत है फकत नक्श कफे पा तेरा। सईदी साहब माफ कर दिया जे अल्लाह की कसम अठ साल विच परचे भी होए ने हमले भी होए ने बड़िया आफर भी हुई ने के मक्के मदीने रिहायश देने दोबारा साढ़े वाल आ जा। मैं क्या ना ना मेरी इको कीमत है या रसूल अल्लाह का नारा ला दो। मैं अज भी तुहाडा वा कल भी तुहाडा वा पर मैं कला बह के कहता होना वा पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा करम है। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा करम है। मुझे गिरने नहीं देता है अहमद नदीम कासमी पढ़ रहा मैं। मुझे गिरने नहीं देता है मुझे गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। मैं क्या जी
सैयदा अमीना फरमाउंदियां ने जदों सरकार मेरे पतने पाक विच आए ने दूजियां औरतां नूं दर्दां होंदियां ने मैनूं कदे दर्द नहीं होई ताके पता चल जाए ये दर्दां देण वाला नहीं आ रहा ये दर्दां मिटाण वाला आ रहा है। जे गल सच्ची है ते फिर हथ कढो ना यार फिर बेवफाइयां ना करो रहीम यार खान वालेओ मैं तुहाडी मुहब्बत ते आया ते मुहब्बत ही लैके जानी है और हुणे मैं एक होर बयान करके वापसी का सफर करना है। सिर्फ ये दो काम ही मैं करना आया सी तुहानूं या रसूल अल्लाह का जिक्र सुनाण आया सी। तवज्जो सैयदा तैयबा आमीना फरमाउंदियां ने जदों सरकार मेरे पतने पाक विच आए ने मैं पत्थरां ते पैर रखदी सां पत्थर मोम हो जांदे सन ताके रहीम यार खान वालियां नूं पता चल जाए ये पत्थरां नूं कलमे पढ़ाण वाला आ रहा है। क्यों जी ये मिलादी है ना ये असली मिलाद सुना रहे हैं। सैयदा तैयबा आमीना फरमाउंदियां ने जदों सरकार मेरे पतने पाक विच आए ने मैनू खाबा विच नबियां दियां ज़ियारतां होण लग पईआं ताके पता चल जाए ये सिर्फ नबी नहीं नबियां दा इमाम आ रहा है ये सिर्फ रसूल नहीं रसूलां दा भी रसूल आ रहा है ये बाकी नबी जमील बन के आउणगे ये अजमल उल अंबिया आ रहा है बाकी नबी शरीफ बन के आउणगे ये अशरफ उल अंबिया बन के आ रहा है बाकी नबी कामिल बन के आउणगे ये अकमल उल अंबिया बन के आ रहा है बाकी नबी इलाकियां दे इमाम बन के आणगे ये इमाम उल अंबिया बन के आ रहा है बाकी सारे अंबिया नू मेराज फरशा ते होएगी ए ओ आ रहे आए जिनू महराज अरशा ते होएगी। सैयदा तैयबा आमीना फरमाउंदियां ने जदों सरकार मेरे पतने पाक विच आए ने मैं खूह विच पानी भरन जांदी सी सहेलियां पानी खिच खिच के उत्ते ले आ रहियां ने मेरी वारी पानी आप उत्ते आ रहे आए क्यों रीजन की है ताके रहीम यार खान दे इना गैरतमंद आशकाने मुस्तफा नू पता लग जाए ए नीवियां नू उच्चा करन वाला आ रहा है। अदबुल मुफरद विच हदीस आ रही है उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका कोलो पुछिया गया कि घर विच हुजूर की करदे सन कौन सुभान अल्लाह फरमाया कि मैं झाड़ू देन लगी सा हजूर पानी छिड़काओ कर देंदे सन तड़के सड़कां दी सफाई करन वाले मुसलमाना नू भी इज्जत नसीब हो जाए। अम्मा आयशा फरमाउंदियां ने कई बारी सरकार ने पेड़ा भी बना दिता ताके उम्मत दे तंदूर ते खलोण वाले मुसलमान नू भी इज्जत नसीब हो जाए। अम्मा आयशा फरमाउंदियां ने उम्मुल मोमिनीन के सरकार अपने नाल नू खुद टांका ला रहे ने ताके मेरी उम्मत दे मोची नू भी इज्जत नसीब हो जाए। अज दा मोची बेवफा है ओ मसीते वड़दा ही नहीं हजूर ने तो उन्होंने इज्जत अता फरमाई जिस नबी दे इशारे ते चन टुकड़े हो जाए उन्हें गदे ते सवारी की थी है कि मेरी उम्मत दे रेड़ी वाले नू भी इज्जत नसीब हो जाए। उची आखो ना सुभान अल्लाह बस करिए तुसी थक गए हो नहीं तो तुसी फिर इना थकावट ना ना करो थकावट मेरी बनती है जिन्हें दो दिन सफर च गुजारे ने कल टायर इंज फटिया जिवें मैं आख्या पता नहीं मैं अफगानिस्तान च जान डे हाँ उत्थे बंब बड़े फटदे ना तां वास्ते पर अल्लाह दा शुक्र है गड्डी भी महफूज रही मैं भी महफूज रहा ये सब तुहाड़ियां दुआवां ने और मिलाद मुस्तफा की बरकत है अल्लाह इंज ही खैरी सलामती वापसी मुकम्मल फरमाए। हुण तवज्जो नाल मेरे आका ने दुध खुद चोया है ताके उम्मत दे दोधी नू इज्जत नसीब हो जाए। हजूर ने दोधी नू इज्जत दित्ती है ए खीर विच पानी मिला मिला ते जलील थींदा वधाए
आपस में इतफाक कर लिया है, मिसाके हराम, मिसारे मिसाके जमहूरियत नहीं, मिसाके हराम पास कर लिया है कि असी खालस दुध देना देंदे ही नहीं। और इन जालिम नू नहीं पता कि अपनी रोजी हराम करके खा रहे हैं, इस जालिम नू नहीं पता कि खालस दुध विच पानी पा के तू रिजक कमा रहे हैं, अगर खालस वेचेगा रब रोजी भी खालस अता फरमाएगा। अम्मा जी फरमाउंदियां ने कि सरकार है दो जहां अपने कपड़े भी धो लेंदे सन ताकि मेरी उम्मत दे धोबी नू भी इज्जत नसीब हो जाए। मैं उन्हूं क्या, मैं क्या जनाब ये वो जश्न मिलाद है जेड़ा रब ने कायम फरमाया है, ते जदों सरकार दी विलादत बा सआदत बा रहमत बा इनायत बा दर्जत बा फजीलत होई है ते सरकार रोए नहीं बल्कि लब हिल रहे सन। अम्मा अमीना फरमाउंदियां ने मैं कन नेड़े कीते आवाज आ रही सी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, ए भी जश्न मिला दे गज के पढ़ो ना ला। हसबी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो सईदा अमीना फरमाउंदियां ने जदों मिलाद होया कोई बदबू नहीं आई, कोई खून नहीं आया, बल्कि सरकार आए ने तो खरज मिन्नी नूर, मेरे विचो नूर निकल आए ते शाम दे महलात मैनू चार पाई ते लेटियां लेटियां नजर आ गए ते मैं हैरान हो गया। मैं क्या रब्बा ए शाम दे महल सरकार दी मां वेख रही है, क्यों? ताके पता चल जाए जिंदी मां चार पाई ते लेट के शाम दे महल वेख रही है, ओंदा लाडला मुस्तफा रोजे विच पै के पूरी उम्मत नू वेखदा रहेगा। एक मोती होर दिया जे सुभान अल्लाह खुद जो तुम इधर उधर वेखते हो मेरी तार टुट जाती है। मैं कोई टीवी ते लग्या ताहरुल कादरी साहब नहीं हाँ, मैं तुहाडे सामने आन लाइव हाँ। डॉक्टर साहब चूंकि सामने नहीं ना बयान करते, मैं ता मिसाल दी है, कोई मुखालफत ना समझिया जे। मैं अर्ज कर रहा सी सरकार दी जदों विलादत हुई है, ए नुकता सुनिया जे, सुनोगे अगले साल की पता सईदी साहब ने बुलाना कि नहीं बुलाना, पर यह जुमला तुहानू अगले साल नहीं क्यामत तक मजा देंदा रहेगा। अजे तक पुछते ने मिलाद क्यों मनांदे हो, मैं क्या सुन भाई जदों सरकार दा मिलाद होया ते दूसरी वारी फिर हो ढिले। अम्मा जी आमना फरमाउंदियां ने मैं कन नेड़े कीते आवाज आई रब्बे हबली उम्मती, उम्मती बोलो ना, चौधरियां नू छुट्टी, बाकी बोलो, मुतकबरीन नू छुट्टी, बाकी बोलो, जेड़े हमचुमा दीगरे नीस्त उन्हां नू छुट्टी, बाकी बोलो, जेड़े चांदे ना अज रात खा पे चा जान बोलो। सरकार ने उम्मत नू याद कीता। अगली गल सुन, जदों रब उत्ते बुलाया सामने अल्लाह इधर रसूलुल्लाह, बोल यार हजूर बोले अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ए हजूर बोले, अगो अल्लाह बोलिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह चुप, फिर हजूर बोले अस्सलामु अलैका, हुजूर बोले वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, के या अल्लाह जेड़ी रहमत बरकत सलामती मैनू ओ क्यामत तक मेरी उम्मत नू भी अता फरमा दे।
और जदो सरकार दुनिया तो पर्दा फरमान लगे ते जिबरील नु फरमाया जिबरील पूछ जे मैं पर्दा कर गया ते मेरी उम्मत दा की बनेगा। किसे नबी ने रहीम यार खान वाले हो अपने किसे उम्मती दी कबर वेच नहीं आना, ए सिर्फ सरकार दा ए सुम्मत नाल प्यार है। जदो सवाल होएगा मा कुंत तकूलू हाजर रजुल ओदो कबर वेच सरकार तशरीफ ले आउणगे। इस टाइम रोजे वेच भी सरकार उम्मत नू याद फरमा रहे ने, मैशर वाले दिन भी सरकार अपनी उम्मत वास्ते सात दिन सजदे ची रहण के और रब फरमाएगा इरफा रासक सोने आ सर उठा मुखड़ा दिखा सल तुअता सवाल करे बुखारी ए बुखारी सवाल कर मैं अता करांगा वस्फा तुशफा तू शफात कर मैं कबूल करांगा वकुल तुस्मा तू आज बोलदा जा मैं सुनदा जावांगा। इत्थे पोती देण तो पहले एक हदीस होर विच ऐड कर दिया बोल 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 जरा हजूर फिर सर उठाणगे। कंजुल उमाल पढ़ रहे हैं कंजुल उमाल अठवीं जल्द हजूर सर उठा के अल्लाह पूछेगा सोनिया की है हजूर अर्ज करणगे मौला मैं सूरज सवाले देते मेरी उम्मत जमीन तांबे वांगो तप रही है मुश्किल विच हिसाब किताब शुरू कर सुनो ओए असी सुन्नी क्यों हजूर अल्लाह जलाल विच होएगा अल्लाह फरमाएगा सोनिया कौन जेड़ा आज मैनू हिसाब दे सके। हजूर फरमांदे ने मेरे पीछे मेरा यारे गार मेरा वफादार इमाम अव्वल खलीफा बिला फासिल सैयदना सिद्दीक अकबर खड़ा होएगा मैं पकड़ के अगे करके अर्ज करांगा अल्लाह ए मेरा सिद्दीक हाजर है ले दे कोलो हिसाब। आका फरमांदे ने मेरे सिद्दीक नू वेख के अल्लाह दा जलाल जमाल विच बदल जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जिंदे इहसाना दा बदला तू नहीं दे सकिया मैं उहदे कोलों की हिसाब लेना है तू बागे फदक दी गल करना है सिद्दीक बेहिसाब अज भी जन्नती है। आओ हुण उस गल ते हजूर नू कुरान मिलिया हुण तुसी इधर उधर वेखना हलाल ना समझो तवज्जो खुदारा तवज्जो हजूर दी विलादत होई उम्मत नू याद कीता आप नू कुरान मिलिया उम्मत नू याद कीता माले गनीमत मिलिया उम्मत नू याद कीता मेराज ते तशरीफ ले गए उम्मत नू याद कीता जदो पर्दा फरमान लगे उम्मत नू याद कीता मारे ने जदो मैशर वाले दिन उठन गए उम्मत नू याद करन गए दसो रहीम यार खान वाले हो इन्हां सारिआं नू के जेड़ा नबी विलादत तो लेके ऐलान नबूवत तक ऐलान नबूवत तो लेके मेराज तक मेराज तो लेके जाहरी वफात तक जाहरी वफात तो लेके रोजे पाक तक रोजे पाक तो लेके मैशर तक मैशर तो लेके हौदे कौसर तक हौदे कौसर तो लेके जन्नत विच वड़न तक अपनी उम्मत नू नहीं भुलिया। अज ओ उम्मत गलियां सजा के नारे लगा के अज ओ उम्मत महफला करा के ऐलान कर रही है कि या रसूल अल्लाह जे तुसी सानू नहीं भुले असी भी तुहानू नहीं भुले। यही मसला तुहाडा सब तो वड्डा ये नहीं सोचा कि मैं किस नबी की गल पिया करना तुसी अपना माशाला उठक बैठक लाइए बैठे बैठे आप यहां सब हजूर के लिए आए हुए हैं तो सरकार गल तो तुसी मेरी फना कर छड़ी इधर ही देखें और इसी तरह बैठ के बयान सुनते रहें। जिक्र खुदा के बाद सबसे बड़ी हस्ती जिक्र मुस्तफ़ा है आप उसके लिए आए हैं तवज्जो करें जनाब हम भी उसी के लिए आए हैं। जब किबला साई आएंगे तो इंशाल्लाह सीधा स्टेज पर ही तशरीफ लाएंगे तो हम मिलाद क्यों मनाते हैं हजूर सानू नहीं भूले असी हजूर नू नहीं भूले हजूर ने याद रखिया उम्मत भी मरदे दम तक याद रखेगी। आओ एक आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहना बस आखिरी बात है पर सुननी बड़ी तवज्जो नाल है और हुण उठन छुटन वाला काम नहीं करना बड़ी तवज्जो नाल। मैं क्या भाई जदों सरकार का मिलाद पाक होया है
ते उस वक्त अल्लाह ने सब नु पुत्र अता फरमाए ने। क्यों? बेटियां जिंदा दफन हो रही सन। फरमाए शेखुल इस्लाम, ये असली शेखुल इस्लाम है, कहो सुभान अल्लाह। और जिगर गोशा है गजाली ये समा शेखुल हदीस व तफसीर साहबजादा उस्तादुल उलमा उस्ताद सूफिया किबला साहबजादा पीर सैयद अरशद सईद काजमी साहेब दामद बरकातहुम अम्या फ्यूजातहुमुल आलिया आप तशरीफ लाए हैं। एक आखिरी जुमला अर्ज करके मैं इजाजत चाहूंगा, अगर आप तवज्जो मेरी तरफ, तो मैं किबला शेखुल इस्लाम की बारगाह में हदिया पेश करके दुआ लेके, मैंने गुजरावाला का सफर करना है। क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ओ मुजरिमो अलहदा हो जाओ। इधर से सरकार हाथ उठाएंगे, अर्ज करेंगे मौला इनको बख्श दे, इनको माफ कर दे, ये मुजरिम तेरे हैं, उम्मती तो मेरे हैं। सब कहो ना सुभान अल्लाह। या अल्लाह, एक वक्त वो था जब ताइफ की वादी में मुझे पत्थर पड़े, हर तरफ से मैं जख्मी हुआ, तो तूने मुझे एवरीथिंग ऑप्शन दी थी कि मेरे प्यारे अगर तू इनके लिए दुआएं जरर कर दे तो ये पत्थर मारने वाले, ये लहू बहाने वाले, मैं इनको पीस के रख दूंगा। पर रब्बा, मैंने उन पत्थर मारने वालों को, लहू बहाने वालों को ये समझ कर माफ कर दिया कि ये पत्थर मारने वाले, ये पत्थर मारने वाले मुजरिम मेरे हैं पर बंदे तो तेरे हैं। आज तू भी माफ कर दे कि मुजरिम तेरे हैं पर उम्मती तो मेरे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।